नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। अरेला थाना क्षेत्र के पीठापुर गांव में ढाई बिछुआ एरिया में बना मकान रात में जेसीबी से जमी दोज कर दिया गया। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि रात में भारी संख्या में यहां पुलिस बल जेसीबी के साथ पहुंची थी और मकान को गिरवाने लगी। यह मकान तबीजन पत्नी अब्दुल अजीज का बताया जा रहा है। तबीजन ने कुल 5 पुत्र हैं, जिसमें यूनिस, इंदल, फिरोज, नसीम, सयाद का है। परिजनों का कहना है कि मकान में कोई भी मौजूद नहीं था। मकान में ताला लगाकर सभी लोग कहीं न कहीं गए हुए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि जब जेसीबी से कुछ सादे ड्रेस में और कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में रविवार की रात 12 बजे के आसपास पहुंचे थे, जब जेसीबी से घर तुड़वाने लगे तो अगल बगल के लोगों ने इसका विरोध किया। 1-2 घंटे में मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया। यहां तक ग्रामीणों का कहना है कि मकान में मौजूद सामान भी नहीं है और यहां तक कि मकान में लगे हुए खिड़की जंगले भी तोड़कर निकाल ले जाया गया है। इस संबंध में जब गांव के प्रधान रामविलास राजभर से बात की गई तो उनका कहना है कि यह गलत हुआ है। कुछ मामलों में लोग वांछित थे, लेकिन ऐसा कुछ नोटिस नहीं था। इस तरह की कोई जानकारी, मकान ध्वस्त करने जैसी कोई जानकारी ना तो परिजनों को दी गई। अगर कार्यवाही कानूनी थी तो रात के अंधेरे में क्यों गुपचुप तोड़ा गया और यह कार्रवाई किस आधार पर की गई, इसकी हमें जानकारी नहीं है। परिजनों ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को भी फोन करके अवगत कराया है। फिलहाल कुछ भी हो, मामला पूरी तरह से जांच का विषय है। जिस तरह से स्थानीय थाना प्रशासन घटना को लेकर इनकार कर रहा है, इस संबंध में जब थानाध्यक्ष अरोला सुनील कुमार दुबे से बात की गई तो उनका कहना था कि ऐसी किसी घटना की जानकारी हमें नहीं है और जहां तक मकान में रहने वालों की बात करें, वह कुछ मामलों में वांछित हैं। घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर कोई मामला था तो आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, या तो कोई लीगल नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। हमारा तबीजन नाम है। क्या हुआ है, मकान कैसे टूटा? टूटा पता नहीं कैसे तोड़ दिए। कौन तोड़ा? अब हम रहे नहीं कि अगर हम तो धनबाद से आए हैं सुन के, कल तोड़िन है। हम वहाँ खबर गया, लोग खबर दिए, हम भाग के आए हैं। हाँ, कब मालूम हुआ है आपको? करीब 12 बजे। 12 बजे इसकी सूचना कहीं दिए? नहीं साहब, कहाँ, हम तो धनबाद से आए हैं ना। हाँ, आज हम धनबाद से आए हैं। हाँ। क्या नाम? एक मिनट, क्या नाम है? हमारा हमारा गुंजा। क्या हुआ था, क्या मामला हुआ? यहाँ पर हुआ था 12 बजे रात में, पुलिस लोग आए बेप्रधान की इजाजत से, घर गिरा गया। बेपूछ जांच करने कोई नहीं आया, पाने कोई मकान नहीं था, वो गिरा के लूट फूट करके लग गया। कैसे जान रहे हैं कि आप पुलिस थे? हाँ, जान रहे। पुलिस बोले कि निकलना मत, नहीं मारेंगे। अच्छा, पुलिस पुलिस को वर्दी में थे? वर्दी में थे, सादे में भी थे। हाँ। अच्छा। जी, कै बजे आए थे? 12 बजे आए थे, 1:30 बजे गिरा उरा के सब लूट पाट के ले गए। 2 बजे देख रहे। हमारा नाम मोहम्मद तस्लीम। क्या हुआ था, क्या मामला? सर, हमारा यहाँ पे हुआ था कि रात में आए थे अरोला थाने के पुलिस हमारे, न कोई जांच, न पड़ताल, न कोई नोटिस, न कोई कागज दिए थे हमारे घर पे। आए थे रात में घर में, जब आए थे। कौन आया था? पुलिस वाले आए थे अरोला थाने से, बोल रहे थे कि, हमने बोला क्यों आए थे सर जेसीबी लेकर, बोल रहे कि ये घर गिर, चलो जाओ तुम लोग अंदर, नहीं तभी तुम लोग को बहुत मार मारेंगे। हमारे घर में आए सब लोग, समरसेबल घर हमारे गिरा दिए, न कोई रंजिश थे, न कोई नोटिस आया था हमारे घर में। सर आए, बोल रहे थे कि, हमने कहा कि सर ऐसा कर रहे, बोल रहे कि घर में जाओ नहीं तभी तुम लोग को बहुत मार मारेंगे। हाँ, इसलिए हमने कहा कि सर आप बहुत गलत कर रहे हैं। उसने कहा सर, सब जो आ रहा था ना, उन लोग के मार रहे थे, उन लोग अंदर कर दिए मार कर। कितने पुलिस वाले थे? कम से कम उन सब थे 20-25 लोग थे, 2 गाड़ी थे हमारे इतना थाने का। वर्दी में थे बिना वर्दी? वर्दी में थे या बिना वर्दी में थे, 12:05 पे आए थे, 1:30 बजे करीब घर गिरा के भाग गए सब लोग। हाँ, हमारे घर में हमारे सौरभ प्रसिद्ध दुबे हमारे थाने के अरोला, और बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशान करते हैं सर। कोई बात भी बात, मगर कोई ना कोई रास्ता रहता है, अन्ना से पकड़ के लेके जाते हैं। हम एक बार
बोलते हैं चलो तुम पकड़ के लाओ अभी छोड़ देंगे, वो जाते हैं हमारे थाने पे पैसा लेते हैं, हम लोग के बोलते हैं कि पैसा दो तभी छोड़ेंगे अब तुम लोग को, नहीं तो तुम लोग चलो बैठो, दो दो तीन तीन दिन तक हम सबको बैठा देते हैं ले जाकर। सौरभ पर्ची दुबे बोलते हैं कि तुम लोग बहुत ज़्यादा साले लोग बहुत पैसा रखते हुए करते सर, हम सब बताइए पैसा जूटे जूटे कर हम सब पैसा लेते हैं। हमारे घर तक आए थे शाम को, आए थे वो करीब 5-6 बजे आए थे हमारे घर पे, कल आए थे शाम को 5-6 बजे सौरभ पर्ची दुबे उन लोग आए, और नहीं लोग रात में उन जब जब घर हमारे गिराने आए थे सर, वो लोग आए थे रात में हमारे घर पे, सौरभ पर्ची दुबे दोनों लोग आए थे जब रात में गिराए थे उन दोनों लोग। आपका रामदलाल, आप गांव के प्रधान हैं? हाँ हाँ। क्या मामला हुआ था, आपको जानकारी थी? मेरे मकान गिराया गया, मुझे जानकारी कुछ नहीं, और ये सुबह मुझे सूचना मिली, मेरे यहाँ आलू भिजवाना था, इनके यहाँ से गाड़ी गई, वो आलू लाते सब लोग बता रहे थे, इसी से घटना हुई। करीब 12 बजे के लगभग में लोग आए, अब ये नहीं पता कौन लोग आए, अगर वो जानकारी होती तो भी बताता उनको, ऐसे लोग थे। अब देखने के बाद तो बहुत कष्ट हो रहा है कि इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया गया, अगर कोई इस तरह से था तो इनके जो दोषी हैं उनको सजा दिया जाए, उनको कार्यवाही किया जाए, जो बताता यही सिस्टम था सर। हमारे लड़का का तबीयत खराब था, हम लेके बच्चों के गिरी ही डी था, हम लोग चले गए थे, हमारी बहू हम यहाँ पर पता न घर में ताला लगा था, अब पता नहीं कब गिराए कब नहीं गिराए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।